बिना मेरा रक्षा बंधन। भाई साहब हटो। भाई साहब मुझे लग ही रहा था आप किसी मुसीबत में हो। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ लाडा, लेकिन जिस आदमी को तू अपना बापू सा समझ रही है ना, आज उसके कुछ दुश्मन उसे ढूंढते आए थे। हाँ लाडो, उसका असली नाम बलवंत ही है और उसके दुश्मनों ने आज मुझे बलवंत समझ के पकड़ लिया था। ये रिकॉर्डिंग सुन, तो हर बार नाकामयाब तो रहा है, इसलिए अब जो करेगा वो ये शैतान करेगा। 10 मिनट के बाद मैं चकोरी का हाथ सबके सामने शादी के मंडप में थामूंगा। उस आदमी ने भावनाओं के साथ खेला है हमारी। चलिए उसे पुलिस के हवाले करते हैं। हाँ लटो चल। चलिए चल। क्या हुआ भाई साहब, जल्दी चलिए। भाई साहब कुछ आवाज आ रही है। मैं देख रहा हूँ, दूर रहे। तुम दूर रहो। हमारी बात मेडिका जी, आप दोनों अभी कभी यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। नहीं, इस बॉम्ब का क्या करना है मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप नहीं छुएंगे इसको। ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है, बात को समझो। रसाल मेडिकल जी लेकर जाओ इसको। नहीं भाई साहब, मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं भाई साहब। रसाल देख देख, ये तुम्हें जिद करने का ना है, हमें इस बॉम्ब को कैसे भी बंद करना है, तू अकेली ना है। अरे साथ छोटी रसाल की जिंदगी भी जुड़ी हुई है ना, तू उसे इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकती ना। तू मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भाई साहब। मैं सारा बड़ा भाई हूँ, सारे को हुक्म दे रहा हूँ, जाए यहाँ से, मेडिकल जी लेके जाओ। आपको क्या लगता है अगर बॉम्ब की बढ़ने से आपको कुछ हो गया तो आपकी बहन जी पाएगी? मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरा जीवन तो आप ही हो ना भाई साहब। अगर शिफा नहीं तो रसाल भी नहीं करता। रसाल और मैं इस बम से निपटने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप जल्द से जल्द हवेली पहुंची और देखिए वहां क्या हो रहा है। अगर उस आदमी की चकोरी मासा से शादी हो गई ना, तो वो मारे बापू सा की जगह ले लेगा और मैं ऐसा हर के चुनाव दूंगा। आप जाइए, बस और 3 फेरे, इसके बाद शिवा और रसाल महाराज कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। मुझे पता था हमारी लाडो बड़ी जान बचाएगी। माता रानी का आप लाख शुक्रिया भाई साहब, जो आपकी जान बच गई भाई साहब। चलिए भाई साहब, अब हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा ताकि हम चकोरी माता और उस बहरूपिये का प्यार रोक सके। चल लाडो चल। ब्याह हो चुका है शिवा, मुझे मेरी इज्जत और ताकत दोनों मिल गई। अब मैं इस हवेली की ठकुराई हूं और अफसोस तुम दोनों की मासा भी।